आर माधवन और दिया मिर्जा की जोड़ी ने फिल्म रहना है तेरे दिल में से ऐसा जादू बिखरा था कि आज भी लोग उनकी बातें करते हैं। फिल्म की दोबारा रिलीज पर माधवन ने दिया से मजाक में पूछ लिया, तुम तो बिल्कुल जवान की तरह लगती हो, ऐसा क्या राज है? दिया ने भी हंसते हुए जवाब दिया, शायद इसीलिए कि आप भी उतने ही जवान लगते हो। दोनों की इस टिप्पणी से साफ है कि उनकी दोस्ती आज भी उतनी ही मजबूत है। 2001 में रिलीज हुई फिल्म रहना है तेरे दिल में फिर से धूम मचा दी। 23 साल बाद जब ये पर्दे पर लौटी तो दिया और माधवन ने फैंस के साथ एक लाइव चैट भी की। बातों बातों में फैंस ने दिया से पूछ ही लिया कि वो अभी भी इतनी जवा कैसे दिखती है। दिया ने मुस्कुराते हुए माधवन की तरफ इशारा किया और बोली, ये सब माधवन की वजह से है, वो बूढ़े ही नहीं होते। माधवन इस पर खूब हंसे और बोले, अरे ये तो फैंस की मेहरबानी है। दिया ने फैंस को धन्यवाद देते हुए कहा, आप लोगों ने रहना है तेरे दिल में को इतना प्यार दिया है कि लगता है जैसे फिल्म अभी भी रिलीज हुई हो। 23 साल बाद भी ये फिल्म लोगों के दिल में बसी हुई है। ये सब वासुदेव मेनन की मेहनत और हम सब की टीम वर्क का नतीजा है। खासकर सैफ अली खान के साथ काम करना बहुत मजेदार था। आर माधवन ने बॉलीवुड में कई यादगार किरदार निभाए हैं। मुंबई मेरी जान से लेकर थ्री इडियट्स तक उन्होंने हर किरदार में जान डाल दी। रंग दे बसंती और गुरु जैसी फिल्मों में तो उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। लेकिन असली कमाल तो उन्होंने रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट से किया। इस फिल्म में उन्होंने न सिर्फ अभिनय किया बल्कि इसे खुद लिखा और निर्देशित भी किया। एक भारतीय वैज्ञानिक की सच्ची कहानी को पर्दे पर लाने का उनका ये फैसला वाकई काबिले तारीफ है। धोखा राउंड दी कॉर्नर और शैतान जैसी फिल्मों में भी उन्होंने दर्शकों को चौंकाया। ऐसी न्यूज से अपडेट रहने के लिए वाहिया टॉक को सब्सक्राइब करें।